एक महिला की किडनी से 12.5 सेंटीमीटर का स्टोन डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर निकाला है। खास बात यह है कि इतने बड़े स्टोन में आमतौर पर किडनी काम नहीं करती, लेकिन महिला को पेट दर्द और यूरिन में परेशानी होने पर उसने देवास में एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाया। डॉक्टरों ने कई प्रकार की जांचें कराई और फिर उसे निकाला। महिला पूरी तरह स्वस्थ है। डॉक्टरों का दावा है कि विश्व में किडनी में बड़े स्टोन निकालने का यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा केस है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टीम को बुलाया गया है। मामला देवास के मोहम्मद खेड़ा निवासी लक्ष्मीपति गुलाब सिंह उम्र 42 वर्ष का है। उसे 8 महीने से पेट दर्द और यूरिन में परेशानी थी। उसने कई अस्पतालों में बताया, लेकिन डॉक्टरों ने बड़ा स्टोन होने के कारण किडनी ही निकालने की बात कही। इस पर महिला 8 अगस्त को देवास के ही एक प्राइवेट अस्पताल में दिखाया। यहां डॉक्टर ने उसका सिटी स्कैन, सोनोग्राफी व डीटीपीए स्कैन सहित कई जांचें की। इसमें पता चला कि किडनी में बड़ा स्टोन है। दूसरा यह है कि किडनी के साथ यूरिन की नली में भी स्टोन भरे हुए हैं। इस पर यूरोलॉजिस्ट सर्जन डॉक्टर देवेश बंसल, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर रुबीना वोहरा, एनेस्थीसियन डॉक्टर प्रिया पाटीदार, डॉक्टर नीलेश वर्दीन व डॉक्टर हिना खान की टीम ने उसका ऑपरेशन प्लान किया और स्टोन निकाला। इसके साथ ही छोटे छोटे स्टोन भी निकाले। बड़े स्टोन का आकार 12.5 सेंटीमीटर है। डॉक्टर देवेश बंसल के मुताबिक किडनी में 12.5 का यह बड़ा स्टोन संभवतः विश्व का दूसरा मामला है। इसके पूर्व 2004 में मुंबई में डॉक्टर हेमेंद शाह ने एक पेशेंट की किडनी से 13 सेंटीमीटर का स्टोन निकाला था। अस्पताल प्रबंधन ने इस केस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन के लिए टीम को बुलाया है। महिला का इलाज आयुष्मान योजना के तहत निःशुल्क हुआ है। आयुष्मान कार्ड नहीं होने की स्थिति में इलाज का खर्चा करीब 70,000 रुपए आता। डॉक्टर बंसल ने बताया कि ऑपरेशन के बाद महिला को 2 दिन आईसीयू में रखा गया था और अब वार्ड में रेफर किया गया है। उसे अस्थायी रूप से पेट के रास्ते से ड्रेन ट्यूब लगाई गई है। 3 दिन बाद यह ट्यूब निकाल कर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।